हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज मैंने बाजार से लाया है ये पोहे की साग, और आज मैं बनाने जाने वाली हूँ पोहे की साग विद सूखी मछली के साथ। तो पहले हम इसको धो चुके हैं और अब इसे काटेंगे, तो अब मुझे इसे काट देना है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पोहे साग को इस तरीके से काट दिया। देखिए, उसके जो डंठल होते हैं उसको भी काटा है इस तरह से। और साथ में मैंने लिया है टमाटर, जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, एक टमाटर लिया है। और ये सूखी मछली, इसे मैंने पानी में थोड़ा भिगो दिया है। नमक 1 टीस्पून या 2 टीस्पून लगेगा, अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, और साथ में मैंने लिया है 2 लहसुन, मिर्ची और प्याज। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें हम डालेंगे सूखी मछली। डालेंगे प्याज, लहसुन, एक टीस्पून हम डालेंगे इसमें पोहे साग। चला देंगे। इसे हम अभी 5 मिनट के लिए ढकेंगे। अब इसे ढकने बाद थोड़ा सा उससे ढक्कन हटा के इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच, 1 टीस्पून चम्मच। फिर चला देते हैं। अब इसे वापस फिर से ढक देते हैं। जो हमारा पोहे साग है थोड़ा सा फ्राई हो गया है, देखिए। अब इसमें टमाटर मिलाएंगे,
और 1 टीस्पून नमक, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा ड्राई पाउडर 1/2 टीस्पून, इसे चला देंगे। अब इसे हम ढक देंगे। तो ये जो हमारा पोई साग और मछली है, ये थोड़ा मसाले के साथ और टमाटर के साथ भुंज गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अब इसे ढक देंगे। तो लास्टली देखिए हमारा जो पोई और छुकी मछली की सब्जी रेडी हो गई है। देखिए तो हमारा ये जो पोई और छुकी मछली की सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसे लगा, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। तो दोस्तों आपका ये रात्रि शुभ हो और शुभ रात्रि हो, इसलिए ये मैं कामना करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो गुड नाइट दोस्तों।